हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? जो हमने इससे पहले लेसन में किया था वो किया था सी मेजर स्केल। जो आज हम करेंगे वो करेंगे डी मेजर स्केल। तो जो डी मेजर स्केल आएगा आपका, इसके नोट्स हैं डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प और डी। डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प और डी। और जो स्केल होगा वो स्टार्ट होगा आपका डी स्ट्रिंग से। डी स्ट्रिंग का मतलब ई बी जी डी, मतलब ई बी जी एंड डी, मतलब चौथा वाला जो आपका स्ट्रिंग है। ठीक है, तो पहला नोट किया है डी, इसका मतलब क्या है? डी ओपन और डी ई। तो इसमें क्या होगा, जो दूसरा वाला फ्रेट है उसको आप प्रेस करेंगे आपके सेकंड वाला फिंगर से। सेकंड फ्रेट मींस सेकंड फिंगर, वन और टू सेकंड फिंगर, एंड थर्ड दिस एंड फोर्थ फॉर दिस। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो पहला बजाया डी, इट्स ओपन, एंड सेकेंड फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट विथ सेकेंड फिंगर, रे सा रे। देन उसी स्ट्रिंग में फोर्थ फिंगर में, ये फोर्थ स्ट्रिंग में फोर्थ फिंगर, ओपन सेकेंड फोर्थ, फोर्थ फिंगर ओपन सेकेंड फोर्थ, सा रे द डी ई एफ शार्प। ठीक है, तो पहला फोर्थ जो स्ट्रिंग है उसमें बजेगा ओपन सेकेंड एंड फोर्थ, और उसको बोलेंगे, नोट्स होंगे इसके डी ई एफ शार्प, और सिम्फनी होगी सा रे का। ठीक है, सारे का, तो सारे का इस कंप्लीट सारे का मा पा था। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे वाली स्ट्रिंग मारेंगे ई बी जी, जी वाले में एफ शार्प के बाद क्या है जी ए बी। ठीक है, सारे का, इसके बाद नीचे वाली स्ट्रिंग मारेंगे, तो स्ट्रोक क्या है एफ शार्प के बाद जी जी। तो अब थर्ड वाली स्ट्रिंग को पहले ओपन प्ले कीजिएगा, ओपन मीन जी जी, देन वही इसमें बजाना है जो हमने चौथी वाली स्ट्रिंग में बजाया था, सेम वही बजाना है। तो वही सेकंड वाला जो फ्रेट है सेकंड फिंगर से, फिर वही चौथा फ्रेट चौथी फिंगर से। तो क्या हो जाएगा, ये जो वन टू थ्री थर्ड जो स्ट्रिंग है इसको पहले ऊपर बजाएंगे, ओपन सेकेंड फोर, ओपन सेकेंड फोर जी ए बी। ठीक है, वही आ गया, चौथी में क्या था ओपन सेकेंड फोर, तो थर्ड में क्या आ गया ओपन सेकेंड फोर, सेम दोनों स्ट्रिंग्स में सेम बजा रहा है। तो क्या आ गया सा रे का मा पा धा, नाउ पा धा नी एंड सा शी शार्प एंड डी। तो आप इसके जब नीचे वाली स्ट्रिंग में उतर जाएंगे बी वाली में, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड वाली स्ट्रिंग में, इसमें फर्स्ट स्ट्रिंग का काम नहीं है अभी, तो सेकंड वाली स्ट्रिंग में आ जाएंगे। तो जैसे हम पहले फोर्थ वाली को ओपन प्ले कर रहे थे, थर्ड वाली को ओपन प्ले कर रहे थे, और सेकंड वाले को इसको ओपन नहीं करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सेकंड वाली फिंगर सेकंड फ्रेट में, इसमें ओपन ना करके डायरेक्ट सेकंड फिंगर सेकंड वाली फ्रेट में प्रेस करेंगे, नी सा देन एंड सा देन डी सी शार्प एंड डी। तो आपका जो सेकंड फिंगर है वो आएगी आपके सेकंड वाले फ्रेट में, और लास्ट सा
इसके जस्ट बगल में थर्ड वाले में, ठीक है, अभी तो थर्ड यूज नहीं हो रहा था, ये थर्ड पे आ गया। इसमें किसी को ओपन नहीं बजाना है स्ट्रिंग, इसमें क्या करेंगे, सेकंड फ्रेट को सेकंड फिंगर से और थर्ड फ्रेट को थर्ड फिंगर से ये बजेगा, सी शार्प और डी, सी शार्प और डी, सी शार्प एंड डी। तो इसका पूरा फॉर्मेशन यू आएगा, ओपन टू फोर, देन ओपन डी फोर, ओपन डी टू फोर, देन टू एंड थ्री, सारे गामा पादानेसा, सारे दापा मादारेसा, ठीक है। तो ऐसे जैसे ऊपर से हम नीचे गए थे वैसे वापस भी आना है, ठीक है, ये वैसे ही वही फॉर्मेशन है, ये थ्री वही टू फोर टू ओपन फोर फोर टू एंड देन ओपन। तो इसमें क्या होगा, ओपन टू फोर ओपन टू फोर टू थ्री। इसमें बहुत इजी है कि फोर्थ वाले आप स्ट्रिंग में जाएंगे, पहले ओपन करेंगे टू फोर, सेकंड वाला फ्रेट और फोर्थ फ्रेट पे जाएंगे, ओपन सेकंड फ्रेट फोर्थ फ्रेट, फिर जाएंगे आप थर्ड वाले में नीचे, तो उसमें क्या जाएगा, ओपन थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों लाइन एक सी हैं, दोनों के फ्रेट सेम है जो आपको प्रेस करने हैं, और जो लास्ट में नीसा है, लास्ट में नीसा मीन्स सी शार्प एंड डी, देन सी शार्प एंड डी, वो क्या है सेकंड फ्रेट में सेकंड और थर्ड, बस इतना ही अंतर है, सेकंड थर्ड ये याद रखिएगा, सेकंड थर्ड सारे गामा पा धा नि सा, मेरा वोकल इतना अच्छा नहीं है फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, सारे गामा पा धा नि सा, सारे धा पा मा धा रे सा, ठीक है, बेस से हाई की तरफ जाएंगे, हाई से फिर बेस की तरफ को आएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, फिर बता रहा हूँ, देखिएगा, ओपन टू फोर, ओपन टू फोर टू थ्री, ठीक है, ओपन टू फोर, ओपन टू फोर टू थ्री। इसमें क्या है, फोर्थ वाले से शुरू करना है, देन थर्ड वाले में, फिर टू वाले में, ठीक है, ये डी का स्केल है, इसे कोशिश कीजिएगा और बहुत इजी है, बट ये याद रखिएगा, अगर सेकंड फ्रेट में आप बजा रहे हैं तो सेकंड फिंगर लगेगा, थर्ड में बजा रहे हैं तो थर्ड फिंगर लगेगा और फोर्थ में फोर्थ फिंगर, यहाँ पे कोई गलती नहीं करनी है, इससे क्या होगा कि पूरा स्केल का फॉर्मेशन गलत हो जाएगा। तो डी का मेजर स्केल था ये, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा, आप इसे प्रैक्टिकली बजाइए और इसके बाद फिर मैं क्या कहते हैं डी के बाद ई लेके आऊँगा नेक्स्ट लेसन में, ठीक है, जब तक आप डी मेजर स्केल करिए, थैंक यू।